नॉन मुस्लिम बहन सवाल कर सकती है। मेरा नाम सपना है, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं हिंदू के घर की हूँ, मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो ये हिंदू मुसलमान आप बोलते हो जे हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, मैं मानता हूँ। मगर ये बात है, जो हिंदू बच्चा होते है तो हिंदू का सलामी दिया जाता है, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है, आज जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा हमें सिखाया गया बचपन से भगवान को मानना है, हम भगवान को मानते हैं, हम मुसलमान धर्म को भी मानते हैं, ऐसा नहीं मानते नहीं, हमें जैसा शिक्षा दिया गया वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुरे लोग थे, इतनी जानते है, तो आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते, आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमारे बाप दादा सब मतलब इन्होंने देख के आया, ये हमने भी देखा है, हम हिंदू की हूँ, मगर जो बड़ा बुजुर्ग होता है उसको सम्मान कर सकते हूँ। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, कर नहीं सकते, कैसे, हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उसे हिंदू शिक्षा दी जाती, जो मुसलमान खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती, तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत, ये क्या है? बहन आप कहते हैं कि आपकी शिक्षा कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2 जमा 2 कितनी होती है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 2 जमा 2 कितना होता है? 4 होता है। माशाल्लाह, तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 जमा 2 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? 4 होएगा 5 कैसा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया, उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है 2 जमा 2 4 भी, 2 जमा 2 5 भी। ये कहना गलत है, दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है, उसके ऊपर अमल करें। नहीं नहीं, मैं क्या चाहती हूँ, हिंदू भी सही मुस्लिम भी सही, 2 जमा 2 4 भी सही, 2 जमा 2 5 भी सही। आप तो माशाल्लाह बहुत विद्वान है, आप जानते 2 जमा 2 4 है, कितने लोग नहीं जानते 2 जमा 2 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 जमा 2 5 नहीं 2 जमा 2 4 है, फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, 2 जमा 2 4 ही है, 5 गलत है। उसी तरीके से अगर किसी के वालदे ने उसे गलत सिखाया क्या बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा लोग से जो गलत कह रहे हैं कि सही चीज को फॉलो करो। मेरे डिस्कशन भी होते हैं, मैं आपसे नहीं बहस करता हूं, लेकिन जो विद्वान लोग हैं हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते हैं डायलॉग। मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, धार्मिक डॉक्टर नहीं हूं, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं, अगर मैं गलत, मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो कि जो मैं कह रहा हूं गलत है, कि मेरा मजहब गलत है, मैं आपके मजहब को कबूल करने को तैयार हूं। ओपन चैलेंज। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं इस्लाम और तकाबुल मजाहब का तालिब इल्म हूं। 19 साल तक के मैं भी मेरे वालिद थे इसलिए मैं भी मुस्लिम था, 19 साल के बाद जब तहकीक करने लगा पता चला कि मैं सही मजहब में हूं, और फिर दिगर मजाहब का मुताला किया कि हर मजहब में अच्छी बातें हैं।
हर मजहब में बदलने के बाद भी, उस मजहबी किताब में बदलाव आने के बाद, करप्शन आने के बावजूद भी सही चीज लिखा है कि ईश्वर एक है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। इसके मतलब हमारे जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा है आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारे जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुने आपने? श्री श्री रविशंकर सुने? ये लोग जैसे आपने किताब पढ़ के आप जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो, ओरिजिनल में किसने देखा? बिल्कुल सही। वो कहता कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसे नहीं आते। अपने किताब पूर्ण किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूँ कि आपके जो विद्वान बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूँ आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूं, अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारी मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा की मानी है अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते, जैसा शिक्षा दिया गया है किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति गलत पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते है क्या? नहीं बहन, मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रहा मैं गलत नहीं। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 = 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो आप, मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखा गलत है उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपकी धार्मिक किताब में लिखा मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जी, इस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करें फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है आप? बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा करके आया, आज की तो बात नहीं, हमने मना कर दिया, चलो हमने नहीं कर रहा, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। अगर रुमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 = 5 है तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं पूछता हूँ दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है, गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान है, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं मैं, उनकी बात को मानूं क्या, छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, उस टाइम बल्कि अच्छा था, नीक था। पहले अभी नीक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ लोग एक साथ में देख सकते थे, आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ लोग देखते, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों के सामने आपको कहा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी मूर्ति पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया आपके कुरान शरीफ में, जैसे लिखाया गया हमारे गीता महाभारत में लिखाया गया, मगर वो पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। मैंने कब बोला कि गीता, मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बैठ नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं। हाँ, तो मैं आपसे बैठ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं यही बोल रहा हूँ, हमारे पुरखो ये जो करके आया तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखो कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानू मैं पुरखों की बात? मैं पुरखों की इज्जत करूंगा, मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे। इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 + 2 = 5 तो क्या मानू? मैं कहूंगा मैं अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, प्यार से आऊंगा, लेकिन कहूंगा
कि आप गलत है. अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा. तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ. सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर से इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? हाँ. करते ना. मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ. मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ. मैं मेरी बेटियों से भी मोहब्बत करता हूँ, जिक्र और रुजदा से. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? नहीं. आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या? नहीं जाए क्या? नहीं. तो मैं पूछता हूँ कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना. नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस. तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है. चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएंगे ट्रक. तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए. मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो. पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन जहन जहीन होना जरूरी है. हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अनपढ़ थे, लेकिन सबसे जहीन थे. तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? नहीं. तो आप क्यों नहीं बुतप्रस्ती छोड़ते? आप कहते आप शोर से मोहब्बत करते, करते क्या? नहीं, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है. ये ऊपरी मोहब्बत है. सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो. आप नहीं चाहेंगे आपके शोर आपके साथ हो क्या? नहीं. हाँ. तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही आपका शोर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शोर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा इसका छोड़ सकते हो, मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूर. धर्म का नाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ. नाम की. नाम से मैं भी हिंदू हूँ. क्या हूँ? हिंदू. हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू. हिंदू. ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया. हिमालय के हिंसे और सिंधु के दूसरे कुछ लोग कहते. इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है. तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं. इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन. जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू. ये मजहबी डेफिनेशन है, ज्योग्राफिकल डेफिनेशन. मैं हिंदुस्तानी हूं, लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूं हिंदू. लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुद्ध परस्ती करता है तो मैं वो हिंदू नहीं हूं. आपने कहा कि आप भी बुद्ध परस्ती नहीं करेंगे तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है. लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू नहीं सकते. मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूं. ज्योग्राफिकल डेफिनेशन. आप समझ रहे? आप बहुत जहीन है माशाल्लाह. बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं. आप कहते हैं कि आप अनपढ़ नहीं और समझ रहे माशाल्लाह. तो ऐसे इल्म का क्या फायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए? यू नो, कल मेरी तकरीर थी, तालीम दोनों जहां के लिए. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं. आप बुद्ध परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा हराम में, तो आप बुद्ध परस्ती को छोड़ने तैयार है? तैयार है माशाल्लाह. मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? माशाल्लाह. उसका मतलब मुस्लिम है? तो आदमी के पास आएगा तो मुस्लिम ही है जी. आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है. औरत जात का कोई जात? आदमी है तो मुसलमान है. कभी कभी जरूरी नहीं, उल्टा भी होता है. जो औरत है वो आदमी बन जाता है क्योंकि एक मैं कहूंगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गधी से तो परी क्या चीज है. तो प्यार अंधा भी होता है. मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है, शेख फैजुर रहमान मुझ पे हंसेंगे.
मैंने कौन सा शेर कह दिया ऐसा, सब शेर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो की, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है, और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाल्लाह, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाल्लाह, कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए, आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया। सही क्या है, गलत क्या, बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु वर्फुलु। मैं शहादत देती हूँ के अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस्लाम का इल्म हासिल करो, कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। आपकी ये शहादत ने मेरी कल की तकरीर को मुकम्मल किया है। मैं कह रहा था तालीम दोनों जहां के लिए, वो तालीम आप PhD करो, टीचर बनो, प्रोफेसर बनो, लेकिन आपके रब के करीब नहीं लेके आएंगे, आपके खालिक के करीब नहीं लेके आएगा वो तालीम, तो फायदा क्या है। तो आप उस प्रोफेसर से बेहतर है जो उसका तालीम उसको रब की तरफ नहीं लेके आ रहा है। मैं आपको शाबाशी देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको इस जहां और आखिरत में इंशाअल्लाह जन्नत दे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आपको सलाम, आपकी जितनी भी